أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلاس 9 فيزيكس بیٹا فيزيكس میں ہم لوگ چیپٹر نمبر 7 کے نومیریکلز کر رہے ہیں آج جو ہم نے نومیریکل کرنا ہے وہ ہے نومیریکل نمبر 6 ٹھیک ہے اور یہ ہمارے انکلوڈڈ سلیبس کے اندر ہے सिक्स वाला ये आज हम करेंगे। द हेड ऑफ अ पिन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर। यानी आपके पास जो लेंथ है ना वो पिन की, यानी कि कुछ इस तरह पिन बनी हुई है और उसका जो हेड है वो स्क्वायर है, ठीक है, वो एक स्क्वायर टाइप बना हुआ है और उस स्क्वायर की जो साइड है वो साइड 10 मिलीमीटर है, ठीक है। तो यानी एक साइड आपके पास 10 मिलीमीटर है, तो एरिया आपके पास होता है लेंथ स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर, 10 मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस मिलीमीटर को हमने जब करना है ना मीटर्स में, तो मिली क्या मतलब होता है, मिली के अंदर एक मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं, तो क्योंकि स्क्वायर है तो हम इसको 2 टाइम्स करेंगे, 2 टाइम 1000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 जीरो इससे कैंसिल, आपके पास रह जाएगा 1/10,000 और ये 10,000 का मतलब होता है 10^4, जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो 1×10^-4 m², ये एरिया है, ठीक है। और फाइंड द प्रेशर ऑन इट ड्यू टू द फोर्स, ऑफ फोर्स जो लग रही है वो यहाँ पर कितने न्यूटन की है, 20 न्यूटन की। प्रेशर आपने फाइंड आउट करना है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है आपके पास P=F/A, यानी 20/1×10^4। जब आप इसको -4 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2×10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये प्रेशर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा इंक्लूडेड न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर 11। तो न्यूमेरिकल नंबर 11 करते हैं। द डायमीटर ऑफ अ पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है, कि डायमीटर ऑफ पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस है तो मतलब कैपिटल ए आएगा, कितना है 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर्स को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 30/100 विच इज मीटर, 0 इससे कैंसिल, 0.3 मीटर आ गया। इसी तरह उसने कहा हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार वेइंग, यानी आपके पास जो वेट वन आ रहा है, वेट वन वो उसने आपको दिया हुआ है 20,000 न्यूटन। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो वेट वन यहाँ पे यूज़ करेंगे। हाइड्रोलिक प्रेस वाली जो हमने पढ़ी थी, एक एप्लीकेशन पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको सॉल्व करना है। आपको पता है वेट और फोर्स एक ही चीज़ होती है, तो हम लोग यहाँ पर जो उसने वेट वन आपको दिया है वो हम लोग यूज़ करेंगे। वेट यहाँ पर हमेशा जो वेट जिस चीज़ को उठाना है ना वो वेट टू होता है, और यहाँ उसको हम लोग एफ टू यानी फोर्स टू भी कहेंगे, और ये हमारे पास है 20,000 न्यूटन। और इसी तरह उसने कहा कि अगर दूसरी तरफ का जो एरिया है यानी स्मॉल एरिया वो आपके पास कितना हो जाए 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का मतलब है आपके पास अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.03 मीटर्स, तो ये एरिया। तो हमने यहाँ पर फोर्स टू यानी दूसरी चीज़ का वेट फाइंड करना है।
तो फॉर्मूला हमारे पास बड़ा ही सिंपल था। फॉर्मूला था जी हमारे पास एफ टू ओवर ए इज इक्वल टू एफ वन ओवर स्मॉल ए। हमने यहाँ पर एफ टू यानी ये चीज़ फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। एफ वन फाइंड करना है यानी कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं उसका उस वेट को उठाने के लिए डब्ल्यू वन। तो ये आपके पास 20,000 डिवाइडेड बाय 0.3 इज इक्वल टू ये हमने फाइंड आउट करना है ओवर 0.03। ये यहाँ पर डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो एफ वन इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.03 आ जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 200 न्यूटन। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर है। इसी तरह जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे करना है न्यूमेरिकल नंबर 12 जो इंक्लूडेड सिलेबस के अंदर है अ स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी ए की आपको वैल्यू दी गई है 2 × 10⁻²⁵ m². 2 mm उसको स्ट्रेच किया गया है उसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी एल नोड वो 2 m है और उसको जो स्ट्रेच किया गया है एक फोर्स लगा के वो है 2 mm। अब जो उसकी स्ट्रेचिंग लेंथ है वो आपके पास कितनी हो गई है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यानी एक तो 2 m है और उसके अंदर जो इजाफा हुआ है वो 2 mm का हुआ है। अब 2 mm का मतलब क्या होता है अगर आप उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 2 mm इसका मतलब होता है इसको 1000 से डिवाइड करें और 0.002 ये आपके पास आ जाता है मीटर्स में। तो आपके पास जो उसकी लेंथ आई है स्ट्रेचिंग के बाद वो है 2.002 m ये आपके पास आई और जो फोर्स हमने लगाई है वो फोर्स कितनी है 4000 न्यूटन। और हमने वाई यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि यंग्स मॉडुलस एक कांस्टेंट होता है और इसका फॉर्मूला होता है वाई इज इक्वल टू फोर्स ओरिजिनल लेंथ ओवर एरिया और चेंज इन लेंथ ये फार्मूला आता है। तो फोर्स हमारे पास है जी 4000 न्यूटन ओरिजिनल लेंथ है जी 2 m एरिया हमारे पास है जी 2 × 10⁻⁵ और चेंज इन लेंथ है चेंज इन लेंथ का मतलब होता है आपने एल माइनस एल नोड ये वैल्यू पुट करनी है यानी ऊपर 8000 नीचे 2 × 10⁻⁵ और ये आपके पास है 2.002 - 2। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा जो वाई की वैल्यू आएगी वो 2 × 10⁻¹ m², क्योंकि ये भी एक किस्म का प्रेशर ही होता है। क्लास 9th हमारा चैप्टर नंबर 7 बेटा कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल समेत। अगर आप लोगों को किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम है तो
तो वो आप बता सकते हैं ताकि हम उसको क्लियर करें और फिर हम लोग जो है वो आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलें।